फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल शेयर करने जा रही हूँ होममेड सैनिटाइज़र की रेसिपी, जो कि आपको इस टाइम पे बहुत अधिक आवश्यकता है क्योंकि मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। और इसकी आप स्कूल में दे सकते हैं, बच्चों को ऑफिस में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले भी मैंने एक होममेड सैनिटाइज़र की रेसिपी शेयर किया हुआ है कल, तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चलिए मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। तो होम सैनिटाइज़र बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है गुलाब जेल, ये मैंने लिया है थिनर जिसे कि नेल पॉलिश रिमूव करते हैं, ये मैंने लिया है एलोवेरा जेल, और यहाँ पे ये मैंने बादाम ऑयल लिया है और डिटॉल लिया है। डिटॉल आप लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। और एलोवेरा भी आप जो है ग्रीन भी ले सकते हैं, येलो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं हाफ कप जो है यहाँ पे एलोवेरा जेल लूँगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने लिया है हाफ कप। और उसके बाद इसी में हमको मिलाना है हाफ कप गुलाब जल, मुझे यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे मैं गुलाब जल लूँगी हाफ कप, तो देख सकते हैं आप। और जितना मैंने एलोवेरा लिया है उतना ही मैंने लिया है इसमें गुलाब जल, और गुलाब जल बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे आप मिनरल वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास गुलाब जल नहीं हो, ऑप्शनल है ये, अगर गुलाब जल हो तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे मैं 1 स्पून लूँगी थिनर, और यहाँ पे आफ्टर सेव का यूज़ कर सकते हैं आप, थिनर अगर अवेलेबल नहीं हो तो दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो उसके बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे 2 ड्रॉप मैं लूँगी डिटॉल का, डिटॉल का दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 स्पून जो है बादाम ऑयल, जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए भी, और इसमें एक अलग सी अच्छी सी स्मेल होती है तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब हम इनको सबको मिला लेंगे। ये बहुत ही इजी है और बहुत अच्छा बनता है, एकदम परफेक्ट, मार्केट से भी बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर आप लेने जाएंगे तो आपको जिस ब्रांड का चाहिए वो भी नहीं मिलता है, और जो भी डुप्लीकेट भी मिल रहा है क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि कहीं भी मिल नहीं रहा है, मिलता भी है तो डुप्लीकेट मिलता है, तो आप घर पे आसानी से कम चीज़ों में घर की रखी चीज़ों से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितना अच्छा बना है ये हमारा हैंड सैनिटाइज़र। मैं आपको हाथ पर लेके भी दिखाती हूँ, देखिए आप बिल्कुल भी फैल नहीं रहा है, मीन्स कि आपका एकदम परफेक्ट बना है। तो आप देख सकते हैं कोई चिपचिपा नहीं है, एकदम ड्राई है, और आपको अपने हाथों में जब लगाते हैं तो पूरा प्रॉपर तरीके से सारे फिंगर्स के बीच में पूरे हाथों में एक लगाना है, आगे पीछे सब, और जो फिंगर्स के अंदर है वहाँ भी आपको लगाना है। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बना है, तो मार्केट से बिल्कुल भी अच्छा है, और घर का बना हुआ आपको देखते, मार्केट का भी दोनों भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मार्केट का जो है उतना अच्छा मुझे तो नहीं लगा जितना घर का अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सैनिटाइज़र बन के मेरा रेडी हो गया है। अब हमें एक बॉक्स में या डिब्बे में या कैसे भी आपका डिब्बे हो उसके अंदर भर के रख सकते हैं, जब भी आपको यूज़ करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डिब्बा है वो बिल्कुल भी साफ़ होना चाहिए और सैनिटाइज़ कर किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का हमने यूज किया है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा ये होममेड सैनिटाइज़र बनाने का तरीका? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और फ्रेंड्स फैमिली में अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मेरी जब भी कोई भी वीडियो डालूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।